हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मल्टी रोज लाइफ। साथियों, आज हम आपको बताएंगे इलायची और शहद के स्वास्थ्यवर्धक व औषधिवर्धक फायदे। आपसे यह भी निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, जो कि पूर्णतः फ्री है। सब्सक्राइब के बाद सब्सक्राइब के साथ वाले ऑप्शन बेल को भी प्रेस करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। साथियों, इलायची और शहद आसानी से हर घर में मिल जाता है। जहाँ इलायची को मसाले की रानी कहा जाता है, तो शहद भी औषधीय गुणों का खजाना होता है। इलायची अपने स्वाद और सुगंध के कारण खाने में खूब इस्तेमाल की जाती है। इलायची का सेवन मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इलायची सांस लेने संबंधी बीमारियों को दूर रखने में भी मददगार होती है। मीठे व्यंजनों में तो इसका फ्लेवर लाजवाब लगता ही है। साथ ही इलायची वाली चाय को भी खूब पसंद किया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ इलायची के बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। दोस्तों, इलायची की तरह शहद भी प्राचीन काल से ही औषधीय गुणों में इस्तेमाल होता आ रहा है। शहद एक ऐसा पदार्थ है जो लंबे समय तक रखे रहने पर भी खराब नहीं होता। पुराने जमाने के वेद हर बीमारी में जड़ी बूटियों के साथ मरीज को शहद जरूर देते थे। आज भी आयुर्वेद हो या होम्योपैथिक, सभी इलाज में शहद का एक विशेष स्थान है। शहद में शक्कर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम क्लोरीन, सल्फर, आयरन और फॉस्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं। शहद में विटामिन B1, B2, C, B6, B5 और B3 भी पाए जाते हैं। शहद में जिंक भी पाया जाता है। तो साथियों, ऐसे में जब इलायची और शहद दोनों का सेवन साथ किया जाए तो ये हमारे लिए अमृत के बराबर हो जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको इलायची और शहद का एक साथ सेवन करने के लाजवाब फायदे। पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इलायची और शहद का सेवन कैसे करना है। 10 ग्राम इलायची को कूट पीस कर उसमें 20 ग्राम शहद मिला लें। अब इस मिश्रण का सेवन खाना खाने के 15 मिनट बाद गुनगुने पानी के साथ करें। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं कि इस मिश्रण को खाने से क्या क्या फायदे होते हैं। साथियों, इसका सेवन हमारे शरीर को ठंडा रखता है। यानी कि यदि किसी को ज्यादा तला हुआ खाना खाने की वजह से या फिर किसी और कारण शरीर में गर्मी हो गई हो, तो ये उस गर्मी को निकाल कर शरीर को ठंडा रखता है। साथियों, इलायची और शहद का सेवन मोटापे को भी कम करता है। इसका निरंतर सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेजी से घटता है, जिससे हमारी कैलोरीज तेजी से बर्न होती है और हमें आसानी से मोटापे से छुटकारा मिल जाता है। यदि आपको कब्ज की समस्या रहती है तो आपको इलायची और शहद का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पुरानी से पुरानी कब्ज को दूर कर पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, साथ ही साथ आंतों को भी स्वस्थ रखता है। अगर पाचन शक्ति कमजोर हो गई हो तो खाना खाने के बाद इसका सेवन अवश्य करें। आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे जादुई तरीके से आपकी ये समस्या दूर हो गई है और आपकी कब्ज की समस्या से भी छुटकारा मिल गया है। दोस्तों, इसके सेवन से शरीर में ताकत भी आती है। जब हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त हो जाएगी तो हमारा खाना आसानी से पचेगा और जो भी हम खाएंगे वो हमारे शरीर को ताकत देगा, जिससे हमारा शरीर फौलाद की तरह बलिष्ठ हो जाएगा। साथियों, इन सब के अलावा इलायची और शहद का सेवन हमारे सौंदर्य के लिए भी लाभदायक होता है। यदि आप कील मुहासों की समस्या से परेशान हैं, तो भी ये आपके लिए लाभदायक है। जैसा कि हमने पहले बताया कि ये शरीर की गर्मी कम करता है और कील मुहासे होने का मुख्य कारण शरीर और पेट की गर्मी भी होता है। इसीलिए इसका निरंतर सेवन करते रहने से आपकी कील मुहासों की समस्या भी दूर हो जाएगी। साथियों, इन सब के साथ साथ ये बालों के झड़ने की समस्या को भी दूर करता है। अगर कोई व्यक्ति असमय बालों के झड़ने से परेशान है तो ऐसे व्यक्ति इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करें, उनकी ये समस्या बेहद ही जल्दी दूर हो जाएगी। तो साथियों, ये हमने आपको बताया इलायची और शहद के सेवन करने से होने वाले स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक व औषधीय फायदे। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा औरों तक शेयर करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके द्वारा और साथियों तक भी पहुँचती रहें। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। धन्यवाद।